नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट आज आपको मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए वर्ष 2014 का प्रिडिक्शन बताऊंगा। मकर राशि की प्रकृति चर प्रकृति होती है, पृथ्वी तत्व है तथा स्त्री राशि है। मकर राशि का वर्ण वैश्य है, व्यापारिक है। मकर राशि का स्वामी शनि है। मकर राशि वाले जातक मध्यम कद के होते हैं, पतले होते हैं तथा नयन नक्ष तीखे होते हैं। मकर राशि वाले जातकों के बाल काले व घने होते हैं। मकर राशि वाले गंभीर होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं तथा बहुत एम्बिशियस होते हैं। मकर राशि वाले जातकों को पढ़ाई लिखाई का, अध्ययन का बहुत अधिक शौक होता है। चिंतन मनन करना बहुत अधिक पसंद करते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, लेकिन मकर राशि वालों में बदले की भावना अधिक होती है। ये अपने शत्रुओं को जल्दी क्षमा नहीं करते हैं। इनके अंदर मानसिक शक्ति बहुत अधिक होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, जिसे हम ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। इनके लिए अपनी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सोशल स्टेटस व पद का बहुत महत्व होता है। परंपरावादी बहुत होते हैं, सभी को शक की नज़र से देखते हैं, किसी पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी धैर्य से काम लेते हैं। अध्ययन का, पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है। शनि स्वामी होने के कारण ये रिसर्च भी बहुत करते हैं, जिसके कारण मकर राशि वाले या तो वैज्ञानिक या रिसर्च स्कॉलर बन जाते हैं। मकर राशि वाले कल्पनाशील होते हैं, बहुत गंभीर किस्म के होते हैं तथा बहुत बुद्धिमान होते हैं। मकर राशि वालों की एक खासियत बहुत कम लोगों को मालूम होती है, ये अपने विचारों को खुलकर प्रकट करते हैं, चाहे किसी के दिल पर चोट ही क्यों ना लगे, ये इस चीज़ की परवाह नहीं करते हैं। बदले की भावना को कभी भी नहीं भूलते हैं। मकर राशि के छठे भाव में गुरु 19 जून 2014 तक भ्रमण करेंगे, गोचर करेंगे, जिसके कारण मकर राशि वाले जातकों को धन की बहुत कमी रहेगी। आय कम होगी, खर्चे अधिक होंगे, आर्थिक पोजीशन खराब रहेगी, संतान सुख में कमी रहेगी। लेकिन जब 19 जून 2014 से गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि मकर राशि के सातवें भाव में स्थित है, तो इनको लाभ होगा। जीवन साथी से तालमेल बहुत अच्छा होगा। गुरु संतान का कारक भी है, तो इनको संतान सुख भी प्राप्त होगा, संतान को सुख भी होगा तथा वाहन सुख भी प्राप्त होगा, गाड़ी बदल सकते हैं। राशि स्वामी शनि दशम भाव में राहु के साथ युति कर रहा है। दशम भाव में राहु शुभ फल प्रदान करता है। राहु की एक नेचर होती है, जो भी देना है अचानक देता है। दशम भाव में शुभ फल देना है तो अचानक ही लाभ भी दे देगा, नौकरी में उन्नति हो जाएगी। लेकिन शनि देव नवंबर दिसंबर में मकर राशि के लाभ भाव में गोचर करेंगे, जिससे सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। व्यापार में, कारोबार में लाभ होगा, नौकरी में उन्नति होगी, सभी भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ जाएंगी, मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा व लाभ भी मिलेगा। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, आपके बड़े अधिकारी आपकी कार्यों की प्रशंसा करेंगे, विरोधी पक्ष शांत हो जाएंगे। मकर राशि वाले जातकों का मान सम्मान भी बढ़ जाएगा, विदेश यात्रा की इच्छा भी पूरी होगी। कुल मिलाकर वर्ष 2014 मकर राशि वाले जातकों के लिए शुभ फलदायक है।